नमस्कार, मैं हूं शमशीर आलम और आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में कांग्रेस नेता को नेहरू चिकित्सालय की बदतमीजी का विरोध करना पड़ा महंगा। वीडियो वायरल होने के बाद शिफ्ट किया गया जिला चिकित्सालय बैढ़न। जी हां, आपको बता दें एनसीएल के नेहरू चिकित्सालय में कोरोना का इलाज कराया जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व जिला महासचिव को इलाज के दौरान भेदभाव और दुर्व्यवहार का वीडियो वायरल करना महंगा पड़ गया है। कुछ ही घंटों में उन्हें जिला चिकित्सालय की वायरल वीडियो के बाद प्रबंधन ने उन्हें जिला चिकित्सालय में शिफ्ट करने का मन बना लिया था, जिसके लिए जिला प्रशासन से लगातार बात जारी थी। कल रात की घटना के बाद सवेरे कोविड-19 के मरीजों के इलाज में लगे कर्मी काम नहीं करने को लेकर अड़ गए थे। उनकी मांग थी कि कांग्रेस नेता को यहाँ से शिफ्ट किया जाए, तभी वो काम पर लौटेंगे। जिस बाबत CASM डॉक्टर एस के भुवाल ने घंटों कर्मियों को समझाया। इधर वीडियो वायरल होने के बाद चिकित्सालय कमेटी द्वारा औचक मीटिंग बुलाकर कांग्रेस नेता को शिफ्ट करने की तैयारी कर ली गई। मैं शेखर सिंह, पूर्व जिला महासचिव कांग्रेस पार्टी, कल रात तकरीबन 11-12 के बीच यहां से 5-6 लोग निकल रहे थे। हमने सवाल किया कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, तो डॉक्टरों ने कहा, यहाँ के जो नोडल ऑफिसर हैं मिस्टर डॉक्टर पंकज बैस जी, विनोद बैस, उन्होंने कहा कि मैं आपको क्यों बताऊं कि कहाँ जा रहे हैं। हम बोले नहीं, हम आम नागरिक होने की हैसियत से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप इन लोगों को कहाँ ले जा रहे हैं। रात का मामला है, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, इसलिए मैं आम शहरी के नाते मैं उनसे सवाल किया। वो जवाब में कहते हैं कि तुमको क्यों बताओ, जाना पूछना है तो कलेक्टर और एसपी से पूछो। मैंने कहा कि एसपी और कलेक्टर से मैं क्यों पूछूं, आप यहाँ के नोडल अधिकारी, आपको पता है कि लोग क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ भेज रहे हैं। तो उस पर उनका जवाब था कि क्या कर लोगे, और मारने की धमकी उन्होंने दिया मुझे। बोले कि तुमको जान से मार देंगे, तुम जानते नहीं हो कि मैं विधायक का आदमी हूं। खैर ठीक है, आप विधायक का आदमी हो, मगर रात गई बात गई। उस सुबह सुबह क्या हुआ है कि किसी भी पेशेंट का कोई भी ना ब्लड शुगर चेक किया गया, ना बीपी चेक किया गया, ना किसी को पूछा गया, और ना ही नाश्ता। सुबह नाश्ता भी 9 बजे आ जाता था, वो भी नहीं आया। अचानक जब बातें बढ़ने लगी, नल में पानी तक नहीं आया। जब नल में गए तो पानी भी बंद कर दी गई थी। ये स्थिति पैदा कर दिया गया था मैनेजमेंट यहाँ के प्रबंधन के द्वारा, नेहरू प्रबंधन के द्वारा। जब हम लोगों ने बात की तो 12 बजे नाश्ता मिला है, क्योंकि हम लोग के बीच में एक 15 महीने का बच्चा भी है। जब हम लोगों ने बच्चे को देखा तो बोले बच्चा भूख से तड़प रहा है, पर 4-5 घंटा से रात का भूख खाया हुआ, सुबह अभी 12 बज गया नहीं मिला। तब हम लोग एक्टिव हुए, एक दूसरे से संवाद करके आपस में, कहीं ना कहीं से कोई अपने अधिकारी से बात किया, कोई अपने अधिकारी से बात किया, कोई अपने नेता से बात किया। बात करके जब संवाद किए तो 12 बजे तकरीबन यहाँ नाश्ता पहुंचा। और जब 12 बजे नाश्ता पहुंचा तो लोग नाश्ता किए। मुझे बलपूर्वक विनोद बैस के द्वारा मैनेजमेंट को झुकाया गया, विनोद बैस के द्वारा मैनेजमेंट को झुकाया गया कि जब तक शेखर सिंह को वहां से नहीं हटाया जाएगा तो मैं वहां हॉस्पिटल के अंदर कदम नहीं रखूंगा। पहला चीज, मतलब इतना बड़ा तानाशाह हो गया है डॉक्टर कि वो झुका दिया कि शेखर सिंह हटेंगे। तब शेखर सिंह कौन सा गुनाह कर दिया, किसी से सवाल पूछना क्या गुनाह है प्रजातंत्र में? मैं सवाल करना चाहता हूं कि क्या प्रजातंत्र में किसी से सवाल पूछना गुनाह है क्या? हमने कौन सा गुनाह किया, सवाल पूछ दिया, अनर्गल मेरे ऊपर आरोप लगाया कि शीशा तोड़ दिया। तमाम चीज सुरक्षित है, कहीं शीशा नहीं टूटी हुई है, शीशा वही है, लॉक वही है, सब कुछ बंद है, मगर ये झूठा बात वायरल किया गया, कलेक्टर एसपी तक पहुंचाया गया कि शेखर सिंह जो है शीशा तोड़ा है, रात में दुर्व्यवहार किया है। मैं किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया हूं, मैं केवल सवाल पूछा था। सवाल का जवाब मुझे ये मिला कि 12 बजे तक तमाम पेशेंट यहां भूखे रह गए। मैं, मेरे घर में दबाव बनाया गया, मेरे भाइयों के ऊपर दबाव बनाया गया कि ये यहां से छोड़कर और सीधा सीधा दूसरे जगह शिफ्ट हो जाए, क्योंकि यहां से इनको हटाया जाए। और उन्होंने जिद्दवश अपने मैनेजमेंट को झुकाया, नेहरू मैनेजमेंट को झुकाया कि यहां से हटे और तब मैं कोविड पेशेंट के पास आऊंगा और इलाज करूंगा, देखूंगा उनको, नहीं तो अन्यथा मैं नहीं देखूंगा। मैं शेखर सिंह, मैं और लोगों के साथ कुछ ऐसा प्रॉब्लम ना हो जाए, कुछ ऐसी दिक्कतें ना आ जाए, इस कारण से मैं बलपूर्वक प्रशासन का बल,
चारों तरफ से मुझे बल दिया जा रहा है, बल दिलवाया जा रहा है, हरास किया जा रहा है कि यहां से हटो। मैं हट रहा हूं, मैं इसलिए नहीं हट रहा हूं, घर से नहीं हट रहा हूं, मैं इसलिए हट रहा हूं कि कम से कम मेरे हट जाने से तमाम लोग सुरक्षित हो जाए, तमाम लोगों का इलाज होने लगे, तो मैं यहां हटना ठीक है। मैं हाथ जोड़ के जाना चाहता हूं आप सभी तमाम लोगों से। मेरा रिक्वेस्ट है कि हम आपको छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जाने से आप लोग सुरक्षित होंगे। कम से कम डॉक्टर आएंगे, खाना आएगा समय पे, पानी आएगा समय पे, आप लोग का इलाज होगा समय पे। इसलिए मैं जाना चाहता हूं, ना कि मैं डर बस जा रहा हूं, मैं डर से एकदम नहीं जा रहा हूं, बस मैं अपनी बातों को ही बताना चाह रहा था। और बस मैं नेहरू से डर और भय से नहीं जा रहा हूं। कहीं ना कहीं डॉक्टर स्ट्राइक किए हुए हैं कि शेखर सिंह जब तक बाहर नहीं जाएंगे तब तक इलाज नहीं होगा, तो हमारे तमाम यहाँ पे मरीज पड़े हुए हैं, उनके इलाज के लिए कि कम से कम अनवरत वो लोग काम करें। और किसी के साथ इस टाइप का व्यवहार उचित व्यवहार ना करें। मैं इसलिए मैं जा रहा हूँ कि मैं जाके अपना सरकारी हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकूँ। हरियाणा स्वीट्स त्यौहार लेकर आया है आपके लिए आपकी पसंदीदा मिठाइयाँ, काजू रोल, मिल्क केक, कलाकंद, दादा बर्फी और भी बहुत कुछ। आप अपना ऑर्डर हमें फोन पर भी दे सकते हैं। हमारा पता है हरियाणा स्वीट्स, मेन मार्केट, सिंगरौली। कॉन्टैक्ट नंबर 9424348986 6268376474। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।